नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मित्र राजीव नाथ वापस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका इंग्लिश वर्जन हमने आज थोड़ी देर पहले आज आफ्टरनून में लॉन्च किया है और इसको फॉलो अप मैं हिंदी वर्जन कर रहा हूँ। आज कुछ हिंदी वर्जन के हमारे आई डोंट नो, मैंने शायद हमें मुहूर्त देखना चाहिए था। हिंदी वर्जन मैंने 3 बार रिकॉर्ड किया सुबह और तीनों बार किसी किसी वजह से वो प्रॉपर नहीं हो पाया, तो ये आधा आधा घंटा 40-40 मिनट का वीडियो मेरा बर्बाद हो गया। एनीवे, तो आज का टॉपिक देखिए, आज का टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि ये कृष्णमूर्ति पद्धति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये कृष्णमूर्ति पद्धति का एक तरह से ये फाउंडेशन है। कृष्णमूर्ति पद्धति अगर एक बिल्डिंग है तो अगर वो मजबूत फाउंडेशन पर खड़ी हुई है तो वो फाउंडेशन का नाम है सब लॉर्ड। और भी बहुत सारे पिलर्स हैं, पिलर्स जैसे रूलिंग प्लैनेट्स हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, दे आर द पिलर्स, बट द फाउंडेशन इज सब लॉर्ड, उप नक्षत्र। मैं सब लॉर्ड ही कहूंगा, ठीक है, उप नक्षत्र नहीं कहूंगा, मुझे बहुत आदत नहीं है उप नक्षत्र बोलने की, तो मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ। मैं सब लॉर्ड कहूंगा, सब लॉर्ड मतलब उपनक्षत्र। और बगैर सब लॉर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुए आप कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रेडिक्शन जो है ना बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बहुत एक्सपीरियंस की चीजें हैं, ये की चीज है ये, इसको समझना और इसका कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना। मैंने देखा है कि बहुत से केपी के एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो सब लॉर्ड का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन मुझे कहना नहीं चाहिए, उनको भी अभी भी कंफ्यूजन है सब लॉर्ड को लेकर के, दे आर नॉट वेरी क्लियर। तो हमारी आज ये कोशिश है कि हम सब लॉर्ड को डिस्कस करें और इसको हम सब लॉर्ड की क्लैरिटी आप लोगों के लिए जो है पेश करने, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हो सकता है लंबा वीडियो हो जाए क्योंकि इसको समझना अति आवश्यक है। मैं समझता हूँ लंबा वीडियो देखना बड़ा पेशेंस का काम होता है, लेकिन आपसे निवेदन है कि इसको जरूर देखिएगा। और एक निवेदन मैं कहना भूल जाता हूँ, कोशिश कीजिएगा इसको कम से कम लैपटॉप पर देखने की, क्योंकि लैपटॉप पे देखिए ये खाली सुनने की चीज तो है नहीं, ये इस चार्ट्स को सारा कुछ जो है ग्राफिक्स को देखने की भी बात होती है, तभी आप क्लियरली समझ पाएंगे। तो हम चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब लॉर्ड क्या है। कृष्णमूर्ति पद्धति में और बाकी जो पाराश्री या वैदिक एस्ट्रोलॉजी लोग फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ, मैं भी वैदिक का एक स्कूल फॉलो करता हूँ, उसमें देखिए फर्क यह है कि कृष्णमूर्ति पद्धति आखिर है क्या। कृष्णमूर्ति दो लोगों का जन्म हुआ, ठीक है, 10 मिनट के फासले में जन्म हुआ, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही शहर में जन्म हुआ। दोनों की अगर कुंडली बनाई जाएगी तो प्राइमा फैसी वो कुंडली एकदम एक से लगेगी, सारे ग्रह जो हैं, अगर उस समय लग्न नहीं चेंज हो रही हो 10 मिनट में, मैं इस चीज को मान के चल रहा हूँ कि लग्न नहीं चेंज हो रही है 10 मिनट में, तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल जो है आपको वो कुंडलियां नजर आएंगी। तो क्या ऐसे दो जातक का फ्यूचर बिल्कुल सेम होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो 10 मिनट होता है ना उसमें कस्पल सब लॉर्ड्स बदल जाते हैं, प्लैनेटरी सब लॉर्ड्स तो नहीं बदलेंगे, कस्पल सब लॉर्ड्स बदल जाते हैं, क्योंकि जोडियक जो है, जोडियक 24 घंटे में एक बार एक चक्कर लगाता है और हर लग्न जो है करीब हर 2-2.25, डिपेंड करता है कौन से लग्न में, वो चेंज करती है। तो उस 10 मिनट में वो लग्न की कुछ मूवमेंट होगी, उस 10 मिनट में कुछ सब लॉर्ड्स बदल जाएंगे, करीब करीब 10 मिनट में सारे सब लॉर्ड्स, कस्प के सब लॉर्ड्स बदल जाते हैं, ग्रहों के सब लॉर्ड्स नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो कस्पल सब लॉर्ड जो है ना वही एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि इस किसी भी जातक का, किसी भी इंसान की जिसकी पैदाइश होती है उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। जुड़वा ट्विन बर्थ्स के एग्जाम्पल एक बहुत ज्वलंत एग्जाम्पल है कि दो भाई बहन एक साथ पैदा होते हैं, ट्विन्स, जुड़वा उनकी बर्थ होती है, तो आखिर क्यों उनकी जिंदगियां जो है, क्यों इतना डिफरेंस जो है, कैसे उनके लाइफ में आ जाता है। एक मान लीजिए कि IAS बन गया, एक कहीं क्लर्क है, ठीक है,
या बहुत फर्क होता है स्टेटस में, उनकी कमाई में, रहन सहन में, उनकी पर्सनालिटी में, उनके जो है उनकी आय में और लाइफ स्टाइल्स में बहुत फर्क हो जाता है। क्यों फर्क होता है? कुंडली तो एक सी नजर आ रही है, वो फर्क हो जाता है क्योंकि कस्प जो है भाव के सब लॉर्ड्स बदल गए हैं। यूं समझिए आप, तो आज की मेन स्टडी हमारी जो है सबसे पहले कस्पल सब लॉर्ड्स को हमको समझना है। कस्पल सब लॉर्ड्स क्या है? कस्प होता है, हम कहते हैं भाव को। ये देखिए हमने आपके सामने एक कुंडली खोल रखी है, इसमें ये भाव है सारे, ठीक है। यहाँ से ये लग्न शुरू होती है, कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये सिंह लग्न है तो ये फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट कस्प। ये सेकंड कस्प है वर्गो, थर्ड कस्प है लिब्रा, फोर्थ कस्प है स्कॉर्पियो, ऐसे करके ये सारे कस्प हैं, ठीक है। इन कस्प के जो सब लॉर्ड, जैसे जो पैदाइश हुई, तो ये देखिए ये कस्प की डिग्री जो है सिंह लग्न में 15 डिग्री 33 मिनट और 20 सेकंड में इस जातक की पैदाइश हुई, ठीक है। तो ये डिसाइड करेगा, ये सब लॉर्ड इसका होगा एक, जो कि डिसाइड करेगा कि इनकी जिंदगी ओवरऑल कैसी होगी। वैसे तो हर कस्प को हमको स्टडी करना है, लेकिन जो मैं जुड़वा लोगों की बात कर रहा था, तो अगर किसी का 10 मिनट के बाद मान लीजिए जन्म है, जन्म हुआ होगा, तो उसका सब लॉर्ड चेंज हो गया होगा। सूर्य के बाद क्या आएगा? सूर्य के बाद क्या आता है? सूर्य के बाद आ जाएगा चंद्रमा। तो हो सकता है उसकी उसका सब लॉर्ड जो है कस्प का चंद्रमा हो जाए। 10 मिनट अगर पार, चंद्रमा भी एक छोटा सब लॉर्ड होता है, तो हो सकता है उसके बाद मंगल हो जाए। तो इन दोनों के लाइफ में यहीं से फर्क डिसाइड हो जाता है। हमें इसी चीज को समझना है और स्टडी करना है। प्लैनेटरी सब लॉर्ड्स को भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन आज का हमारा मेन एम्फेसिस कस्पल सब लॉर्ड्स पर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने समझा दिया कि आज हम किस चीज को स्टडी करने वाले हैं। इस कुंडली को हम ले लेते हैं। देखिए कस्पल सब लॉर्ड्स को स्टडी कैसे करना है। फर्स्ट कस्प पे आ जाइए, देखिए कर्सर को देखिएगा। कर्सर के मूवमेंट शायद रिकॉर्डिंग में उतनी स्मूथ नहीं आती है हमें, जैसा पता लगा है, प्लेबैक में भी हमने देखा है, बट एनीवे ये कर्सर है। इसको मैं यहाँ, ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है, ये कस्पल सब लॉर्ड के टेबल्स हैं, ठीक है। कस्पल ये कस्प है, कस्प नंबर 1 2 3 4 तक, 12 तक हैं। ये किस साइन में, किस राशि में बैठे हैं ये लिखा हुआ है। जैसे कस्प नंबर 1 लग्न सिंह में है, लियो, 15 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड, जैसा हमने देखा। किस राशि में बैठा है? अपनी राशि, ये सिंह लग्न में बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठे हुए हैं। ये सिंह, सॉरी, फर्स्ट कस्प जो है सिंह राशि में है। किसके नक्षत्र में है? नक्षत्र जो है शुक्र का है। और सब लॉर्ड कौन है इस असेंडेंट का, ये लग्न का? सब लॉर्ड सूर्य है। तो अब हमें ये स्टडी करना है इनके लग्न की स्ट्रेंथ, इनके लग्न की कैसी मजबूती है। उसी प्रकार से ये सारे कस्प के डिग्रीज के हिसाब से, इनके सब लॉर्ड के हिसाब से हमें देखना है कि ये सारे कस्प कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हैं पॉजिटिव फल देने के लिए इस जातक की जिंदगी में। टुडे स्टडी इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सब लॉर्ड्स ऑफ द कस्प विच डिसाइड कि कौन सा कस्प कितना मजबूत है। जैसे सेकंड कस्प जो जो देता है, सेकंड फर्स्ट कस्प देता क्या है? लग्न से हम क्या देखते हैं? लग्न से हम ओवरऑल जिंदगी जो है ना किसी भी जातक, किसी भी इंसान की देखते हैं, कैसी उसकी जिंदगी होगी। असेंडेंट को हम कंपेयर कर सकते हैं एक रेलगाड़ी के इंजन से। अगर इंजन मजबूत है तो रेलगाड़ी सही सलामत सही स्पीड पे चलेगी। इंजन में अगर फॉल्ट आ गए तो वो डिरेल कर सकती है। तो यूं आप समझिए कि अगर फर्स्ट कस्प असेंडेंट मजबूत है तो उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट अच्छे से पटरी पर चलेगी। उसी प्रकार सेकंड कस्प, सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? सेकंड हाउस से हम स्टेटस देखते हैं, सेकंड हाउस से हम इनकम देखते हैं, सेकंड हाउस से हम एडिशन टू द फैमिली देखते हैं। सेकंड हाउस ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन मैरिज ऑल्सो, ठीक है। सेकंड हाउस प्लेज अ पार्ट इन योर योर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, सेकंड हाउस प्लेज अ पार्ट इन योर लाइवलीहुड ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो सेकंड हाउस अगर स्ट्रेंथ में रहेगा, मजबूत है,
तो हमें उसके पॉजिटिव फल मिलेंगे। इसी प्रकार हर 12 12 जो ये हमारे कस्प हैं, इनकी स्ट्रेंथ अगर अच्छी है तभी हमें इनका पॉजिटिव फल मिलेगा, वरना हमारी हमें इनका पॉजिटिव फल नहीं मिलेगा तो वी विल नॉट लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। अब जजमेंट कैसे करना है, देखिए फर्स्ट कस्प के सीधे सीधे आप सब लॉर्ड पर चले जाइए। सब लॉर्ड सूर्य हैं, ठीक हो गया। अब सूर्य देखिए, सूर्य के सिग्निफिकेशंस क्या हैं, सिग्निफिकेशन सूर्य के कहाँ मिलेंगे आपको। वैसे तो आप वैसे यहाँ पे से भी देख सकते हैं कि सूर्य किसके नक्षत्र में है, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, तो राहु कहाँ बैठा हुआ है, राहु 11वें भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य सबसे पहले 11वें भाव का फल देगा। लेकिन इतना आसान करने के लिए हमने यहाँ पर हाउस वाइज टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स डाल दिया है। आप देखिए सूर्य के सिग्निफिकेशन आप ऊपर से देखें, सूर्य इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द फर्स्ट हाउस। सूर्य के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है, सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, लग्न में बैठा हुआ है, तो इट फुल्ली एंड वेरी स्ट्रॉन्गली सिग्निफाइज द फर्स्ट हाउस, विच इज अ वेरी गुड साइन इन एनी हॉरोस्कोप। सब लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस और द लग्न सिग्निफाइंग द फर्स्ट हाउस अपने आप में स्ट्रेंथ देती है। और सूर्य के क्या सिग्निफिकेशन हैं, सूर्य हमने जैसा बोला राहु के नक्षत्र में है। देखिए राहु कहाँ बैठे हुए हैं, 11वें बैठे हैं, सूर्य राहु के नक्षत्र में है, तो सूर्य इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ द 11th हाउस ऑल्सो। तो जैसा आपको पता होगा 11वां भाव जो है किसी भी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट भाव माना जाता है। तो सूर्य का उप नक्षत्र यानी कि सूर्य का सब लॉर्ड फर्स्ट हाउस को और 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्गली सिग्निफाई कर रहा है, यानी कि इस जातक को फर्स्ट हाउस और 11th हाउस का अच्छा फल मिलेगा। फर्स्ट हाउस और अच्छा 11th का अच्छा फल मिलने से मतलब जिंदगी जो है सही पटरी पर लाइन पर अच्छे से चलेगी। कितनी अच्छे से चलेगी, देखिए अब ये सवाल आता है। एक तो हम देख लिया हमने कि इनको बहुत ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी, एक का इनको एक फर्स्ट हाउस का फल मिलेगा थ्रू, क्योंकि इनका सिग्निफिकेटर जो है सूर्य जो है सब लॉर्ड जो है फर्स्ट को सिग्निफाई करता है, एक लाभ भाव का भी फल मिलेगा, ठीक है इनको जिंदगी में। लेकिन कितना अच्छा मिलेगा और कितना खराब मिलेगा ये अभी देखना हमें बाकी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए ये आफ्टर ऑल एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लीजिए, कस्प का जो है या भाव का या घर का या हाउस का, इसको हम कस्प भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, हाउस भी कहते हैं, का जो सिग्निफिक का जो सब लॉर्ड है इट इज अ प्लैनेट, ठीक है ये एक ग्रह है, जैसे सूर्य ग्रह है, तो अब हमें इस ग्रह का भी सब लॉर्ड देखना पड़ेगा। ये ग्रह का हमने देख लिया, ये कहाँ बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, किसका फल देंगे वो हमने देख लिया कि 11वें भाव का फल देंगे, वो हमने देख लिया कि ये जो है फर्स्ट हाउस का फल देंगे, मतलब फर्स्ट फर्स्ट कस्प में इनको से कनेक्टेड फर्स्ट हाउस और 11वें कस्प का फल मिलेगा। लेकिन वो कैसा फल मिलेगा उसको फिर क्वालिफाई करेगा, ये हमने बताया एक हरेक भाव का सब लॉर्ड जो है वो एक ग्रह है, तो फिर वो ग्रह की कैटेगरी में आ गया, तो हमें ग्रह का नक्षत्र स्वामी देखना है और उस ग्रह का फिर सब लॉर्ड भी हमको देखना है, यानी कि कस्प की स्ट्रेंथ को भाव की स्ट्रेंथ को जज करने के लिए उसके सब लॉर्ड के सब लॉर्ड को भी हमको देखना है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे वो भाव कितना मजबूत है या कितना कमजोर है। अब देखिए सूर्य हमने देखा सब लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, सूर्य इसका सूर्य का सब लॉर्ड कौन है, सूर्य का सब लॉर्ड हम देख रहे हैं कि सूर्य का सब लॉर्ड खुद सूर्य है। अगेन गो बैक टू द टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स, तो हम देख चुके हैं सूर्य क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, फर्स्ट को सिग्निफाई कर रहे हैं, 11th को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो बढ़िया फल जो है इनकी इन आप जो है अपने नोट्स में डाल लेंगे, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग लग्न, ओके सो ही इज नॉट गोइंग टू हैव टू मेनी प्रॉब्लम्स थ्रू आउट हिज लाइफ। प्रॉब्लम कब आती है, अब हम चलते चलते रेफरेंस में हाइपोथेटिकल बातें भी करते जाएंगे, प्रॉब्लम कब आती है, जैसे ये सूर्य जो है फर्स्ट फर्स्ट सब लॉर्ड का कनेक्शन अगर
दुष्ट भावों से होता है, जैसे छठे से, आठवें से, बारहवें से, तो उस जातक के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। छठे से कनेक्शन क्या होता है? छठे से कनेक्शन जो है बीमारी दे सकता है, बीमारी निश्चित तौर पे होगी, ठीक है। लेकिन छठा भाव फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है, तो अब दोनों बातें आ गई ना, बीमारी भी होगी और फाइनेंशियल स्टेटस भी उसका कैसा होगा। वो सूर्य सिग्निफाई फर्स्ट हाउस, उससे कनेक्टेड हो गया, छठे से हो गया, तो उनको बीमारी हो सकती है। लेकिन बीमारी होगी या फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा होगा, वो क्वालिफाई करेगा सूर्य का सब लॉर्ड। अब सूर्य का सब लॉर्ड कोई ऐसा यहां निकल आए, ये तो हमने देख लिया, सूर्य फर्स्ट और 11 का देगा भाव, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं कि अगर फर्स्ट का कनेक्शन छठे आठवें से 12 हो जाए, तो फिर छठे आठवें का बार का कनेक्शन फर्स्ट के साथ होगा, तो जातक की जिंदगी में परेशानियां भी आएंगी, फाइनेंशियल स्टेटस उसका हमको जज करना है। कैसे जज करेंगे, कैसा फल मिलेगा छठे भाव का, वो फिर सूर्य सूर्य का सबलॉर्ड क्या है उस पर डिपेंड करता है। नाउ सपोज सूर्य का सबलॉर्ड जो है, सपोज सूर्य का सबलॉर्ड हाइपोथेटिकली राहु हो जाता जो कि आठवें भाव का सिग्निफिकेटर है, या गुरु हो जाता जो कि आठवें भाव का सिग्निफिकेटर है, या चंद्रमा हो जाता जो बारहवें भाव का सिग्निफिकेटर है, तो हम कहते इनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चंद्रमा जो है बारहवें भाव का सिग्निफिकेटर जो है फर्स्ट हाउस के सब लॉर्ड का सब लॉर्ड है। तो सिक्स से कनेक्शन है, बीमारी होगी तो रिकवरी में प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छी इसलिए नहीं होगी क्योंकि चंद्रमा अगर सब लॉर्ड का सब लॉर्ड हो जाए तो ये खर्चे का घर है, तो फाइनेंशियल स्टेटस पैसा जो है जुड़ने नहीं देगा। यहाँ पर इस कुंडली में ऐसा नहीं है, समझाने के लिए खाली मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना। तो इस कुंडली में अपने नोट्स में देखिए, आपके पास लाइफ रीडिंग के लिए भी जो है ना, और उसको पाएगा तो लाइफ रीडिंग में सबसे पहले आप जो है बारहों भाव के स्ट्रेंथ को नोट कर लेंगे, उसका नोट्स बना लीजिए। स्ट्रेंथ ऑफ द फर्स्ट हाउस और द लग्न सिग्निफाइज फर्स्ट एंड 11th एट द स्टेलर लेवल एंड एट द सब लेवल। स्टेलर लेवल से मतलब होता है नक्षत्र लेवल, स्टेलर का मतलब नक्षत्र लेवल पर क्या सिग्निफिकेशन है और सब लेवल पर क्या सिग्निफिकेशन, दोनों में फर्क समझिएगा। कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आपको ये जानना चाहिए, ये जार्गन्स हैं। स्टेलर लेवल मतलब नक्षत्र लेवल, फाइनल डिसाइडर जिसको कहते हैं सब लॉर्ड इज द बॉस कह लीजिए, सब लॉर्ड इज द सुप्रीमो कह लीजिए, किसी भी चीज को फाइनल जो है क्वालिफाई करता है सब लॉर्ड। सब लॉर्ड अगर डिनाई करता है तो वो काम नहीं होगा, ठीक है, ये आपने सुना होगा। अभी हम आएंगे प्रेडिक्शंस में, जब हम आएंगे देखेंगे कि कोई चीज जो है नक्षत्र लेवल पे तो मिल रही है लेकिन सब लॉर्ड डिनाई कर रहा है तो वो काम नहीं होता है, काम होते होते रुक जाएगा। होप आई हैव मेड माय सेल्फ क्लियर। एक और एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं, जैसे लेट अस कम टू द सिक्स्थ हाउस, छठे भाव का हम सब लॉर्ड देखते हैं क्या है। अच्छा, हम इसको नहीं लेते हैं क्योंकि सब लॉर्ड का भी सैटर्न सब लॉर्ड है, फिर इसको हम डिस्कस। थर्ड हाउस पर आ जाइए, थर्ड हाउस का सब लॉर्ड कौन है? थर्ड हाउस का सब लॉर्ड बुध है। अब आप एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको मालूम है थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। थर्ड हाउस से हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, थर्ड हाउस से हम अपना करेज देखते हैं, हिम्मत, इनिशिएटिव किसी काम को करने का देखते हैं। थर्ड हाउस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हमने बोला, आईटी सेक्टर हम देखते हैं। थर्ड हाउस से हम कम्युनिकेशन देखते हैं, हम राइटिंग स्किल्स देखते हैं, ये चीजें देखते हैं। तो हमको थर्ड हाउस के छोटे भाई को देखते हैं, छोटे बहन को देखते हैं, इन चीजों का पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलेगा कि नहीं, मतलब हमारा थर्ड हाउस कितना स्ट्रांग है, वो फिर उसके सब लॉर्ड को हमको देखना पड़ेगा। सब लॉर्ड कौन है? सब लॉर्ड मरकरी है। मरकरी देखिए, अब यहां आ जाइए, मरकरी टेबल ऑफ सिग्निफिकेशन में चलिए सीधे चलते हैं। मरकरी फिफ्थ हाउस को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। मरकरी और देखिए कहाँ कर रहा है, मरकरी 11th हाउस को भी कर रहा है, उतना स्ट्रांगली नहीं लेकिन कर रहा है। मरकरी 6th हाउस को कर रहा है, मरकरी 7th हाउस को कर रहा है, और मरकरी फिर से एक जगह 11th हाउस को वीकली सिग्निफाई कर रहा है। तो मरकरी का स्ट्रांग सिग्निफिकेशन है 5th,
सिक्स्थ एंड सेवेंथ। थर्ड हाउस के भी रिजल्ट ठीक ही ठाक मिलेंगे, ठीक ठाक मिलेंगे, बिकॉज देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति में इंप्रूविंग हाउसेस जो हैं वो है 1, 2, 3, 6, 10 एंड 11। 6 को इंप्रूविंग हाउसेस में ही गिना जाता है क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस भी देखा जाता है, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन भी है। तो हम किस निष्कर्ष पर, अभी अभी फाइनल निष्कर्ष पर हम नहीं पहुंच रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इनको थर्ड हाउस से, थर्ड हाउस का रिजल्ट फिफ्थ से, सिक्स से, सेवेंथ से, इलेवेंथ से कनेक्टेड मिलेगा, मतलब बैलेंस्ड है, ठीक ठाक मिलेगा। कैसा रिजल्ट मिलेगा उसके लिए फिर हम चले जाएंगे मरकरी के सबलॉट को देखेंगे। देखिए मरकरी के सबलॉट पे सीधे आ जाइए, मरकरी का सबलॉट कौन है, शुक्र है। तो थर्ड हाउस का हमने देखा स्टेलर लेवल पे ये सबलॉट कैसा रिजल्ट देगा, पांचवे, छठे, सातवें, ग्यारहवें से कनेक्टेड, लेकिन उसको क्वालिफाई कैसे करेगा, वो जो रिजल्ट आएंगे उसके लिए हम देखेंगे मरकरी के सबलॉट को। मरकरी का सबलॉट है शुक्र, वीनस। वीनस के सिग्निफिकेशंस पर आ जाइए, वीनस का सिग्निफिकेशन देखिए, इट सिग्निफाइज द 11th हाउस वेरी स्ट्रांगली। इट इज ऑल्सो द ओनर ऑफ द 10th हाउस, इट इज द ओनर ऑफ द 10th हाउस, ठीक है। देर आर नो प्लैनेट्स इन द 10th हाउस, सो इट विल गिव द रिजल्ट ऑफ 10th एज वेल एज 11th, बोथ आर वेरी स्ट्रांग हाउसेज। इट विल ऑल्सो गिव द रिजल्ट ऑफ 3rd हाउस विच इट ओन्स। तो जहां 11th आ गया सब लॉर्ड लेवल पे, आप ये समझ जाइए कि वो हाउस बहुत स्ट्रांग हो गया, थर्ड हाउस के सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने हैं इस जातक के लाइफ में। कब मिलने हैं उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, जब ये अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड हाउस का रिजल्ट जो है ना वो मिलेगा, देखिए थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेटर्स हैं यहाँ ना, शनि और केतु और शुक्र, ये इनकी दशा अंतरदशा जब आएगी तभी थर्ड हाउस का रिजल्ट मिलेगा, लेकिन कैसा रिजल्ट मिलेगा उसको हमने डिसाइड कर लिया थर्ड हाउस की स्ट्रेंथ को देख करके। तो थर्ड हाउस रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो है इस जातक की कुंडली में बहुत बढ़िया है, बहुत फर्स्ट क्लास है, ठीक हो गया। अब लेट अस टेक अनदर हाउस, अनदर इंपॉर्टेंट हाउस, लेट अस टेक द 11th हाउस। चलो लेट अस टेक द 11th हाउस। 11th हाउस का देखिए सब लॉर्ड कौन है, फिर वीनस है। वीनस का सिग्निफिकेशन हम देख चुके, वीनस 11th को सिग्निफाई करता है, वंडरफुल, बहुत अच्छा है। प्राइमा फैसी 11th हाउस मतलब इसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ये हमें प्राइमा फैसी लगता है। तो इसकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन पूरी कितनी होंगी इच्छाएं, दोस्त यार, 11th हाउस से जो जो देखते हैं, दोस्त यार, इच्छाएं, ठीक है, लाभ, सारा कुछ होगा, लेकिन किस लेवल तक होगा। सब लॉर्ड कौन है 11th हाउस का, सब लॉर्ड शुक्र है। अब हम शुक्र के सब लॉर्ड को देखेंगे, शुक्र का सब लॉर्ड राहु है। अब देखिए राहु और केतु की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, उस पर हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट राहु यहाँ प्राइमा फैसी देखिए 4th को सिग्निफाई कर रहा है, राहु यहाँ 8th को भी सिग्निफाई कर रहा है। तो 4th और 8th के सिग्निफिकेशंस बहुत अच्छे नहीं होते, कुछ अड़चने आएंगी 11th हाउस में, हर एक लाभ, हर एक इच्छा नहीं पूरी होगी। लेकिन राहु के और भी सिग्निफिकेशंस, राहु और क्या क्या देगा, देखिए राहु जिसके साथ कंजंक्ट रहता है, युति रहती है, उसका फल देता है। राहु सूर्य के साथ जो है कंजंक्ट है, सूर्य हम देख चुके हैं, तो राहु सूर्य का फल देगा। सूर्य हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि 1st का और 11th का फल देगा। तो राहु जो है इनको 11th हाउस, राहु चूंकि वीनस का सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड, तो 11th का भी फल देगा थ्रू सन। राहु किसके भाव में बैठा हुआ है, किसके घर में बैठा हुआ है, किस राशि में है, ये मिथुन में है, बुध की राशि है, तो राहु बुध का भी फल देगा। बुध क्या क्या दे रहे हैं, बुध हम देख चुके हैं, बुध क्या दे रहे हैं, बुध दे रहे हैं, बुध दे रहा है 5th का, बुध दे रहा है 6th का, बुध दे रहा है 7th का, ठीक। तो ये भी घर स्ट्रांग है, ये भी घर स्ट्रांग है। लेट अस नाउ कम टू 10th हाउस। 10th हाउस से हम क्या देखते हैं, 10th हाउस से हम प्रोफेशन देखते हैं। 10th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, 10th हाउस का सब लॉर्ड है जुपिटर। अब हम पहले जुपिटर यहाँ देखेंगे, जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है,
देखिए जुपिटर भी 11th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है, तो 10th हाउस कनेक्टेड विद द 11th हाउस, मनचाही नौकरी मिल सकती है। और जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है, सेकंड हाउस, मनचाही नौकरी मिल सकती है। ठीक है, 11th से मनचाही हो गई, सेकंड नौकरी है। और जुपिटर कहाँ है, जुपिटर 5th में है बट बहुत वीक सिग्निफिकेशन है, 8th में है वीक सिग्निफिकेशन है। ठीक है, तो जुपिटर इज एक्टिंग एज अ पिलर, पिलर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द 11th हाउस, सॉरी द 10th हाउस। 10th हाउस क्या क्या दिखाता है, आपका प्रोफेशन, आपका स्टेटस एटसेट्रा। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हमने देख लिया 10th हाउस अच्छा है इनका। अब जुपिटर का सबलॉर्ड क्या है, जुपिटर का सबलॉर्ड मून है। तो 10th हाउस का कनेक्शन जो है, अब मून फाइनल वर्डिक्ट डिलीवर करेगा कि 10th हाउस का सबलॉर्ड जो है 10th हाउस को कितना प्रोटेक्शन देगा, या 10th हाउस के सिग्निफिकेशंस को कितने रियलाइज होने देगा। तो मून का अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेशन, मून के सिग्निफिकेशंस यहां आकर के देखिए, मून 5th को सिग्निफाई कर रहा है, मून 6th को कर रहा है, मून 7th को कर रहा है, मून 12th को कर रहा है, मिक्स्ड बैग ऑफ सिग्निफिकेशंस है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे 10th हाउस का कनेक्शन जो है थ्रू द सबलॉर्ड नौकरी से है, लेकिन अल्टीमेट डिसाइडर मून है। मून देखिए 5th को भी सिग्निफाई कर रहा है, 6th को भी, 6th नौकरी देने वाला भाव है, 5वा नौकरी लेने वाला भाव है। ठीक है, 5वा नौकरी लेने वाला भाव है, ऐसा नहीं कि नौकरी ले लेगा, हमारे पूरे पूरे ओवरऑल देखिए, हम जो है ना किसी एक ग्रह या किसी एक घर को पकड़ के नहीं चल सकते हैं, हमें पूरा ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप को असेस करना होता है। मून 6th भी दे रहा है, मून 7th भी दे रहा है। 10th का कनेक्शन थ्रू द सबलॉर्ड ऑफ द सबलॉर्ड इज विद 5th ऑल्सो, 6th ऑल्सो, 7th ऑल्सो। 10th का कनेक्शन 6th से क्या मतलब होता है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, 6ठा नौकरी के लिए, 7वां बिजनेस के लिए है। तो ये जातक बिजनेस भी कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों कर सकता है, या कभी नौकरी करेंगे कभी बिजनेस करेंगे, वो डिपेंड करेगी इनकी उस समय दशा, अंतर दशा क्या चल रही है, क्या सिग्निफाई। तो देखिए ये शायद मैं कोशिश मैंने किया कि आपको इसमें क्लैरिटी दे दूं। इसको टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स आपको पढ़ना आता होगा एज ए केपी एस्ट्रोलॉजर और स्टूडेंट। देखिए इस तरीके से आप इस एक कॉलम में जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर्स ऑफ द भाव इन फ्रंट विच ऑफ विच दे आर रिटन। जैसे 5th हाउस के सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर्स मून है, मार्स है, मरकरी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है सैटर्न है, केतु है, 3rd है राहु, 4th है जुपिटर। ओनर ऑफ द हाउस साइन लॉर्ड, सबका सिग्निफिकेशन सबसे वीक होता है। उसके बाद ओनर के नक्षत्र में जो ग्रह बैठ होते हैं उसका होता है। फिर ऑक्यूपेंट, जैसे 5th हाउस हम देख रहे हैं, 5th हाउस में जो बैठे हैं सैटर्न केतु, फिर इनका सेकंड नंबर पर सिग्निफिकेशन होता है। और ऑक्यूपेंट जो उस घर में बैठा है उसके नक्षत्र में जो ग्रह होते हैं, जैसे मून, मार्स, मरकरी, ये सबसे स्ट्रांगली इस भाव का सिग्निफिकेशन देंगे। ठीक है, यूं आप समझिए, ये टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स पर एक अलग से हम वीडियो करेंगे, उसको हम समझेंगे, क्योंकि इसमें ये सिर्फ स्टेलर लेवल के सिग्निफिकेशंस हैं। उसमें मैं एक ग्राफिक बना करके, क्योंकि हमें सब लेवल सिग्निफिकेशंस भी देखने होंगे तभी हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं। ये तो देखिए हुई बात, आज हमने बात किया कस्पल सबलॉर्ड कस्प की, भाव की, घर की, किसी भी भाव की स्ट्रेंथ को कैसे हमें जज करना है। तो ये हमने देख लिया कौन सा भाव कैसा हमें फल देगा, अच्छा फल देगा, खराब फल देगा। समझिए इस बात को, देखिए मैं और दो तरीके से, हाइपोथेटिकल तरीके से समझाता हूँ। आपको मालूम है 6ठा, 8वां और 12वां घर जो है हॉरोस्कोप के खराब घर माने जाते हैं, अष्टम भाव सबसे खराब माना जाता है। उसके कुछ अच्छे फल भी प्राप्त होते हैं, जैसे इजी मनी है एटसेट्रा, इजी मनी है, इनहेरिटेंस है, ये सब भी 8वें भाव से। लेकिन बाय एंड लार्ज एक्सीडेंट है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, अड़चने हैं, डेथ है, सारा 8वें।
अब समझने के लिए यूं समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि 12 के 12 ही 12 के 12 हो भाव के सब लॉर्ड जो है आठवें का सिग्निफिकेटर है राहु। मान लीजिए राहु को छोड़ दीजिए, आप ये मत देखिए कि राहु मरकरी का देगा उसका देगा, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड कोई भी आठवें को स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है और वो जो है सभी भावों का वो सब लॉर्ड बन गया, तो हम किस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे? इस आदमी की जिंदगी में कुछ भी नहीं, ठीक है, और वो और भी खराब हो जाएगी अगर सब लॉर्ड जो आठवें भाव का सिग्निफिकेटर अगर यहाँ सब लॉर्ड है उसका भी सब लॉर्ड अगर आठवें छठे या बारहवें का जो है सिग्निफिकेटर निकल गया तो ये जातक की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर 11वें भाव का मान लीजिए कि 11वां भाव कुंडली का सबसे बड़ा भाव सबसे बढ़िया भाव होता है, 11वें भाव का जो सिग्निफिकेटर है यहाँ जैसे ये है सूर्य है जुपिटर है वीनस है, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं वीनस है जुपिटर है सन है, तो जहां जहां जुपिटर वीनस सन है ये अच्छा इनको फल मिलेगा बशर्ते कि इनके भी सब लॉर्ड जो हैं अच्छे स्ट्रांग हो तो इस भाव का फल अच्छा मिलेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल सारे के सारे 11वें भाव का सिग्निफिकेटर मान लीजिए शुक्र, सारे के सारे भाव का सिग्निफिकेटर शुक्र है, वंडरफुल हो गया। 11वां भाव मतलब लाभ ही लाभ लाभ ही लाभ है, और शुक्र का भी कोई बहुत अच्छा सिग्निफिकेटर हो गया जो कि मान लीजिए किसको हम सेकंड हाउस को बहुत अच्छा मानते हैं, शुक्र का सब लॉर्ड मान लीजिए सेकंड का सिग्निफिकेटर है, देन ही विल हैव अ वंडरफुल लाइफ। ये फिर ये मुकेश अंबानी की हॉरोस्कोप हो जाएगी। मुकेश अंबानी का हम हॉरोस्कोप किसी दिन लेके आपके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, हमारे पास है, उसमें मैं दिखाऊंगा कि छठा भाव जो मैं कह रहा था फाइनेंशियल स्टेटस, अगर और सिग्निफिकेशंस ठीक है फाइनेंशियल स्टेटस को कैसे दर्शाता है छठा भाव, उसको हम डिस्कस करेंगे किसी दिन लेकर के, बिकॉज आई हैव हिज हॉरोस्कोप। उसमें आप देखिएगा कैसे छठे भाव से सारे ग्रहों का कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन छठा भाव साथ में बीमारी भी लाता है ना, तो वो हमें देखना होता है कि फर्स्ट हाउस का कनेक्शन सिक्स से कितना है, वो रिकवरी दिखाता है कि नहीं दिखाता है, बीमारी देगा तो कैसी देगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन लेट अस आई मीन यू नो आप इसको तो मैंने शायद क्लियर कर दिया होगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, ये हमने कस्पल सब लॉर्ड्स की बात कर ली, कैसे हमें भावों की स्ट्रेंथ को मजबूती को ताकत को देखना है। उसी तरीके से ये प्लैनेटरी हैं, ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स अपने दशा अंतर दशा में जिनके सिग्निफिकेटर्स हैं ये उसका फल देंगे। जैसे मान लीजिए कि मरकरी, मरकरी अपनी दशा अंतर दशा में किसका फल देगा, आप यहां देखिए पांचवे का छठे का सातवें का, मरकरी की अंतर दशा दशा अंतर दशा जब आएगी, कॉम्बिनेशन उसका किसी और के साथ भी होगा, मरकरी में कुछ और भी चल रहा होगा, लेकिन पांचवें छठे सातवें का आपको फल मिलेगा क्योंकि नक्षत्र लेवल पे मरकरी जो है सैटर्न के नक्षत्र में बैठा हुआ है। सैटर्न जो है सैटर्न कहाँ पर है, सैटर्न जो है फिफ्थ हाउस में है, तो मरकरी सैटर्न के नक्षत्र में, इस टेबल ऑफ सिग्निफिकेटर्स को फॉलो कीजिएगा तो आपको यहाँ देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मरकरी स्टेलर लेवल पे देखिए फल तो मरकरी जो है ना पांच का छह का सात का देगा ही देगा, कैसा फल देगा अपनी दशा अंतर दशा में कैसा फल देगा वो मरकरी का सब लॉर्ड वीनस डिसाइड करेगा। वीनस 11वें भाव का स्वामी है, लाभ भाव का स्वामी है, तो मरकरी पांचवे छठे और सातवें का जो भी फल देगा उसमें लाभ होगा। अब पांचवे छठे और सातवें का क्या क्या फल होता है, मान लीजिए पांच जैसे पांचवे का हमने बताया इमोशंस का घर है, लव अफेयर्स का घर है, लव अफेयर्स का घर है उसमें सक्सेसफुल होगा, लाभ होगा, सक्सेसफुल होगा। छठा भाव जो है नौकरी का घर है उसमें भी सक्सेस मिलेगा, सातवां बिजनेस का घर है उसमें भी सक्सेस मिलेगा क्योंकि इसका सब लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए राहु है, राहु आठवें का सब लॉर्ड है, तो आपको लगेगा कि यहां जहां ये सब लॉर्ड अपियर कर रहा है ये राहु तो चौपट कर देगा,
शुक्र को चौपट कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, राहु के सिग्निफिकेशंस और भी तरीके से देखे जाते हैं, सिर्फ स्टेबल को नहीं। राहु जिसके साथ बैठा होता है उसका उसका फल देता है, जिसके घर में होता है उसका भी फल देता है। दूसरा, इसको रिवर्स तरीके से देखिए, चंद्रमा, आप इसको रिवर्स तरीके से देखिएगा। सबसे पहले जब आप कुंडली देखेंगे तो देखिएगा छठा को छोड़ दीजिए, मेनली आप देखिएगा आठवें और बारहवें के जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो कम से कम, ये कस्पल सब लॉर्ड्स कम से कम बने तो उस जातक की जिंदगी अच्छी होगी। यहाँ पर हम राहु देख रहे हैं आठवें का, राहु हम बात कर चुके हैं, राहु उतना खराब फल नहीं देगा। क्या चंद्रमा कहीं पर आ रहा है यहाँ? बारहवें भाव का जो है, बारहवें भाव का सिग्निफिकेटर है, चंद्रमा आ रहा है कहीं? चंद्रमा कहीं नहीं आ रहा। हाँ, एक जगह आ रहे हैं चंद्रमा, चंद्रमा आ रहा है फिफ्थ हाउस का सिग्निफिकेटर, तो वो बारहवें भाव का फल देगा, लेकिन कैसा फल देगा फिर उसके लिए हमें चंद्रमा, बारहवा से तो हम अज्यूम करते हैं खराब फल देगा, लेकिन खराब फल जैसे बारहवें का हमने क्या बताया, ये विदेश भी ले जा सकता है, वहां पर आपको फायदा होगा नुकसान होगा। बारहवें के पॉजिटिव फल मिलेंगे, अगर पॉजिटिव फल मिलने हैं तो चंद्रमा का जो है सबलॉर्ड भी पॉजिटिव होना चाहिए। चंद्रमा का सबलॉर्ड मरकरी है, तो मरकरी हमने देखा कि मरकरी ठीक ठाक फल देगा, इसे ज्यादा विशेष घबराने की बात नहीं। डर तब होगा जब आठवें और बारहवें का ये सबलॉर्ड यहाँ बहुत सारे भावों के सबलॉर्ड हो जाएंगे और उनके भी सबलॉर्ड जो है वो दुष्ट घरों के जो है सिग्निफिकेटर होंगे, तब प्रॉब्लम आएगी। ये डिस्कस कर लिया हमने, फल कब मिलेगा? फल इन प्लैनेट्स की दशा अंतर दशा में मिलेगा अकॉर्डिंग टू देयर सिग्निफिकेशन। क्या फल देंगे, किस भाव का फल देंगे, जिस भाव के सामने वो सिग्निफिकेटर है उस भाव का कैसा फल मिलेगा, हम ऑलरेडी यहाँ पढ़ करके डिसाइड कर चुके हैं। फर्स्ट भाव का कैसा मिलेगा, सेकंड का कैसा, थर्ड का कैसा, दैट भी हमने अपने डायरी में नोट कर लिया, हमारे नोट्स तैयार हैं। तो अब आप इनकी जो है लाइफ रीडिंग लिख सकते हैं, लाइफ रीडिंग लिख सकते हैं, कितने साल का मांगा है, दशा अंतर दशा, जैसे शुक्र है मान लीजिए किसी ने मांगा तो आप 20 साल से ज्यादा की रीडिंग क्या देंगे। शुक्र का जैसे चल रहा है तो अब आप शुक्र में चले जाइए, देखिए शुक्र किस किस चीज के सिग्निफिकेटर हैं, 11th हाउस के सिग्निफिकेटर हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे शुक्र 11th हाउस का फल देगा, कैसा फल देगा वो शुक्र का सबलॉट डिसाइड करेगा। तो आप पीरियड वाइज चलिए, शुक्र के साथ उसकी अंतरदशा किसकी है उसका देखिए फल कैसा, दोनों को मर्ज करके फल निकालिए और प्रेडिक्शन कीजिए। कृष्णमूर्ति पद्धति में क्या है, यही है ना, 7th हाउस का सबलॉट कहा जाता है कि देखिए मैं अब आप समझाने की बात कहा गया कर सर, 7th हाउस का सबलॉर्ड कहा जाता है कि अगर 7th हाउस का सबलॉर्ड 2, 7, 11 में से किसी एक को सिग्निफाई करता है तो शादी होगी, और अगर अगर मैरिज डिनाइंग हाउसेस 1, 6, और 10 को सिग्निफाई करता है बगैर 2, 7, 11 में से किसी को सिग्निफाई किए हुए तो शादी नहीं होगी। ऐसा स्ट्रिक्टली नहीं होता है, बहुत सारे और भी कॉम्बिनेशन, लेकिन समझाने के लिए मैं खाली बोल रहा हूँ। तो शुक्र 7th हाउस का सिग्निफिकेटर है, शुक्र क्या का सब लॉर्ड है, नॉट सिग्निफिकेटर, शुक्र यहाँ पर क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, शुक्र 11वें भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं। तो शुक्र 11वां भाव इज वन ऑफ द प्लैनेट्स, वन ऑफ द हाउसेस दैट प्लेज अ पार्ट इन मैरिज, तो ये मैरिज इस जातक की होगी, इससे आगे हमें नहीं देखना है, ठीक है। नौकरी बोलते हैं 10th हाउस का सिग्निफिकेशन जो है, 10th हाउस का सबलॉर्ड अगर 6th से कनेक्शन बनाता है और या 2nd से कनेक्शन बनाता है या 6th का सबलॉर्ड 10th से कनेक्शन बनाता है तो जातक को नौकरी मिलेगी। किस पीरियड में मिलेगी, कब शादी होगी, वो अलग चीज है, वो हमने आपको बताया दशांतर दशा। होप, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने क्लियर किया होगा, काफी कंफ्यूजन इसको लेकर के रहते हैं, इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। कोई दिक्कत हो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, मेल कर सकते हैं, यू कैन गेट इन टच विद मी पर्सनली। आई होप, हमें लगता है कि अंग्रेजी वाला जो आज मैंने बनाया था
उसमें शायद मैं इतना नहीं क्लियर पाया कर पाया था जितना मुझे अभी लग रहा है कि मैंने क्लियर किया है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने और जो आपके मित्रगण हैं जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, और इसी तरह के यूजफुल वीडियोस मैं कोशिश करूंगा ले करके आपके सामने आपके खदमत में जो है मैं हाजिर होता रहूंगा। नेक्स्ट टॉपिक विच आई एम प्लानिंग टू टेक अप इज सिग्निफिकेशंस ऑफ प्लैनेट्स, सिग्निफिकेट फोर स्टेप जो है थ्योरी जिसको कहा जाता है कृष्णमूर्ति पद्धति में, मैं उसको लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार, हैव अ गुड डे, बाय।